हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे हम। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं और जो एक्सरसाइज हैं उनके वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो एग्जांपल 12 देखिए, फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कंजुगेट फाइंड आउट करना है हमें इसका। सो एक तरीका तो ये है कि पहले मैं इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ले आऊं और उसका कंजुगेट हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी, ठीक। या फिर जो प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 अगर मल्टीप्लाइड हैं तो आप Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट कर सकते हैं, और अगर वो डिवीजन में है Z1 Z2 और उनका कंजुगेट लेना है तो आप इनका अलग अलग कंजुगेट लेके इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी यूज करके पहले इन सबका कंजुगेट फाइंड आउट कर लीजिए और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास डायरेक्ट कंजुगेट आ जाएगा, ठीक है। सो पहला मेथड जिसमें कि इनको मल्टीप्लाई करके फिर कंजुगेट लिया गया है वो बुक में गिवन है, ठीक। मैं दूसरा ले लेता हूं कि मैं पहले इनका कंजुगेट फाइंड आउट कर लेता हूं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z अपना, जो कि है 3 - 2 आयोटा और 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ये है 1 + 2 आयोटा और 2 - आयोटा, ठीक है। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, z कंजुगेट जो हो जाएगा 3 - 2 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 3 + 2 आयोटा, क्योंकि कंजुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 + 3 आयोटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा, ठीक। ऐसे ही 1 + 2 आयोटा का कंजुगेट 1 - 2 आयोटा और 2 - आयोटा का कंजुगेट 2 + आयोटा। अब इनका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, सो 3 × 2 = 6 -9 आयोटा + 4 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 - 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कीजिए 2 + आयोटा के साथ, सो 2 + आयोटा -4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, ठीक। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये 6 है, कलर दूसरा लेता हूं मैं, ये 6 है और ये 6 आयोटा स्क्वायर है, माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो है वो होता है -1, सो -1 × -6 तो +6 हो जाएगा, तो ये 6 + 6 12 हो गया, एंड -9 आयोटा +4 आयोटा तो -5 आयोटा डिवाइडेड बाय ये देखिए -2 आयोटा स्क्वायर, तो +2 हो जाएगा और 2 + 2 = 4 और ये हो गया -3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हम नहीं रखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या करूंगा मैं इसको 4 + 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा, ठीक है। 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, डिवाइड भी कर दूंगा। सो देखिए क्या आंसर आता है, 12 - 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 + 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय ये देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। सो a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, सो 4² माइनस बी यहां क्या है 3 आयोटा उसका स्क्वायर, ठीक है। सो इक्वल्स टू ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 × 4 = 48, 12 × 3 = 36 आयोटा, ठीक है। -5 × 4 - 20 आयोटा एंड -5 × 3 - 15 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये हो गया 16 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो ये हो गया प्लस और 9, ठीक। सो 48 आ गया आपके पास, ये 48 -15 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये +15 हो जाएगा, तो 48 + 15 कितना हुआ 58 + 5 = 63, तो ये आ गया 63 और ये 36 - 20 सो ये हो जाएगा +16 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 9 ये हो गया आपका 25, ठीक है। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आपके पास 63 / 25 +
16/25 आयोटा, और ये कंजुगेट है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया था उसका कंजुगेट है। सो पहले उनको सोल्व करके फिर कंजुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर सबका कंजुगेट करके इसको सोल्व कर दीजिए, आपके पास डायरेक्ट कंजुगेट आ जाएगा। एग्जांपल 13 देखिए, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हमें इनको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आना होगा, उसके बाद ही हम कर पाएंगे, ठीक है। सो दोनों के साथ ही हम ऐसा करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट देखिए, 1 प्लस आयोटा है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा है। सो इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो देखिए क्या आंसर आता है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया आप न्यूमरेटर में आपके, या मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, वन माइनस आयोटा एंड वन प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। सो वैल्यूज देखिए क्या आएंगी, आयोटा स्क्वायर आपका माइनस वन होता है, आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस वन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, तो न्यूमरेटर में 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, तो माइनस पहले से है तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया आपका आयोटा, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो वो आ जाएगा ये 0 प्लस आयोटा, ठीक। अब इसका फाइंड आउट करना है आपको मॉडुलस। सो मॉडुलस क्या होता है, देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो रूट 1 इज 1, ठीक है। यहां प्लस माइनस नहीं लिखेंगे आप, ये रूट हटाने पे प्लस माइनस नहीं यूज करेंगे, प्लस में ही आएगा आंसर जो है वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ए का स्क्वायर कर रहे हैं और बी का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये पॉजिटिव वैल्यू है पूरी, ठीक। सो इसका रूट भी हम लेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये आपके गले नहीं उतरती बात, नहीं आप इसको हजम कर पाते, तो जब हमने आर्गेंड प्लेन में इनको प्लॉट किया था ना, ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z है कोई, उसको प्लॉट किया तो उसकी जो लेंथ होती है ना ओरिजिन से, वो मॉडुलस ऑफ z है, ठीक है। सो लेंथ या तो जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, वो होगी नहीं। सो मॉडुलस ऑफ z कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। सो रूट हटाने के बाद प्लस माइनस लिखने की वहां जरूरत नहीं है, लिखना नहीं है आपको, ठीक। चलिए सो मॉडुलस आ गया आपके पास, अब फाइंड आउट करना है आपको आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको आर्गेंड प्लेन में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका वही है, दूसरे तरीके भी हैं, मैं बता देता हूं, आपको बुक में भी दे रखे हैं, वो भी डिस्कस कर लेता हूं, पर ये आसान पड़ेगा आपको। देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, या फिर इसको कहें रियल एक्सिस और इसको इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। जीरो यानी कि रियल पार्ट है जीरो, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट है आपका वन यहां कहीं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये हो गया जीरो और आयोटा, जीरो और वन, ठीक है, जीरो। अब ये एंगल देखिए आप, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये क्या एंगल बन रहा है, कितना बताने की जरूरत है मुझे, पाई बाय टू, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी ए आर जी ऑफ जेड इज पाई बाय टू, सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मॉडुलस हो गया इसका, मॉडुलस हो गया वन और आर्ग्यूमेंट हो गया पाई बाय टू, सिंपल। अच्छा, इसको बुक में कैसे सोल्व कर रखा है वो भी बता देता हूं आपको, देखिए, ठीक है। सो ये बुक वाला सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं अब, ठीक। सो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपका आया जीरो प्लस आयोटा,
ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा और ये आयोटा के साथ। ठीक है, दूसरे कलर में लिखता हूं मैं आयोटा। ठीक है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। तो इनको कंपेयर जब हम करेंगे सो आर कोस थीटा जो है वो किसके बराबर है? जीरो के। और आर साइन थीटा किसके बराबर है? वन के, है ना, क्योंकि दोनों सेम ही कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर की हैं। ठीक, सो आर कोस थीटा इक्वल टू जीरो है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, और कोस थीटा जीरो किस केस में आता है? पाई बाय टू के केस में, क्योंकि वैल्यूज पॉजिटिव हैं इसलिए हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट इसमें कंफ्यूजन पता है क्या रहती है कि ये किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट में, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं, क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है? ठीक है, सो दिमाग में कैलकुलेशन करनी पड़ती है और उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। बट अगर आप इसको प्लॉट कर लेते हैं जैसा कि हमने किया है, ठीक है, अगर आप इसको प्लॉट कर लेते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहती और पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट क्लियर हो जाती है। ठीक है, सो कैलकुलेट आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है तो ऐसे कर लीजिए। सो पाई बाय टू आ गया। ठीक है, और आर की वैल्यू आ जाएगी अगर हम यहां थीटा की वैल्यू रख दें तो फिर सो आर हो जाएगा आपका, ये थीटा की वैल्यू आई है भैया, थीटा इक्वल टू पाई बाय टू। ठीक है, सो आर साइन पाई बाय टू इक्वल टू वन, और साइन पाई बाय टू की वैल्यू वन होती है, सो आर इक्वल टू वन आ गया आपका। ठीक है, आर है क्या? मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक, सो कैलकुलेट आप ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं दोनों तरीकों से कैलकुलेट करता चलूंगा आगे भी। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, वन अपॉन वन प्लस आयोटा। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको पहले ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रखेंगे हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वन माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और वन माइनस आयोटा से डिवाइड। सो ऊपर आ गया आपका वन माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बी की जगह क्या है यहाँ? आयोटा ही है। ठीक है, सो आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो ये प्लस हो जाएंगे, यानी वन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय टू, यानी वन बाय टू माइनस आयोटा वन बाय टू। ठीक, सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका। अब आपको फाइंड आउट करना है मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। सो बुक में कैसे दे रखा है वो बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, बुक में क्या कर रखा है आपको, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा जो पोलर फॉर्म है उससे कंपेयर कर रखा है, यानी कि आर कोस थीटा जो है वो किसके बराबर है? वन बाय टू, और आर साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है? माइनस वन बाय टू। ये है इक्वेशन वन और ये है इक्वेशन टू। अब क्या कीजिए, अब इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग वन एंड टू, ये साइड में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग वन एंड टू, सो दिखता रहे। सो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन बाय टू का स्क्वायर प्लस माइनस वन बाय टू का स्क्वायर। ठीक है, सो ये देखिए आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा इक्वल्स टू वन बाय फोर और प्लस वन बाय फोर। ठीक, ये वैल्यू हो गई वन, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बच गई? टू बाय फोर, यानी कि वन बाय टू, आर की वैल्यू आ गई वन बाय रूट टू। ठीक है, सो योर आर इज वन बाय रूट टू, जो कि है मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, सो मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया हमने। अब बात आती है कि हम इसका फाइंड आउट करें आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सो आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करें, पहले तो इसको प्लॉट करते हैं। ठीक, और फिर फाइंड आउट करते हैं। देखिए, प्लॉट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका
z इक्वल्स टू 1/2 माइनस आयोटा 1/2, ठीक। सो कहाँ किस क्वाड्रेंट में आएगा देखते हैं, x एक्सिस पे रियल पार्ट और y एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट, सो 1/2 यहाँ कहीं हो गया 1/2, ठीक है, और y पार्ट है नेगेटिव, सो -1/2, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एंगल जो होगा वो आपका होगा ये थीटा, ठीक है। और फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये ट्राइंगल देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको नाम देना चाहे तो ओ ए बी, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें ये साइड है 1/2 लेंथ की, ये भी है 1/2 लेंथ की, ठीक है। सो tan थीटा इक्वल्स टू, मैं सिर्फ इस ट्राइंगल में कैलकुलेट कर रहा हूं, कोई साइन नहीं दूंगा अभी, साइन हम बाद में क्वाड्रेंट देख के देंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस पाई टू पाई वेरी करेगा नीचे और ऊपर वेरी करेगा 0 to π, ठीक है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो मैं बता देता हूं आपको, थीटा होती है लेस देन इक्वल्स टू पाई एंड ग्रेटर देन माइनस पाई, ठीक है। सो नीचे कैलकुलेट करेंगे तो वो माइनस पाई तक जाएंगे और ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो वो पाई तक जाएंगे, ओके। टेन थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/2 upon 1/2 कैंसिल आउट 1, यानी थीटा इक्वल्स टू π/4, बट क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम इस तरीके से लिखेंगे, सो थीटा हो गया आपका -π/4, ठीक है। सो मॉडुलस भी कैलकुलेट कर दिया हमने और आर्ग्यूमेंट भी कैलकुलेट कर दिया, दोनों वैल्यूज आ गई। एग्जाम्पल 14 देखिए, इफ x प्लस आयोटा y इक्वल टू a प्लस आई बी ए माइनस आयोटा बी, आयोटा बी एंड आयोटा बी, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है आपको। सो बुक में जो प्रोसीजर दे रखा है वो लेंदी है और उसकी जरूरत भी नहीं है हमें, हम यहाँ एक आसान तरीके से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे, कि x प्लस आयोटा वाई को अगर मैं उसके कंजुगेट x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, -1 इस माइनस के साथ मिलके प्लस दे देगा आपको और वाई का स्क्वायर मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो हम सिंपली क्या करें कि जैसे हमें गिवन है x प्लस आयोटा वाई और वो है a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी, इसका कंजुगेट x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा और कंजुगेट जो डिवीजन में है कॉम्प्लेक्स नंबर्स उनका कंजुगेट हम क्या कर सकते हैं कि उनका अलग अलग कंजुगेट लेके फिर डिवाइड कर दें। सो न्यूमरेटर में a माइनस आयोटा बी हो जाएगा आपका कंजुगेट और डिनोमिनेटर में a प्लस आयोटा बी, ठीक है। सो ये 1 और ये 2 मल्टीप्लाइंग 1 and 2, सिंपल देखिए मल्टीप्लाइंग 1 and 2, ठीक है। सो x प्लस आयोटा वाई एंड x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाई a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी, तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गए, बच गया 1 और ये मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सिंपल दो लाइन का आंसर। 15th एग्जांपल देखिए, फाइंड रियल थीटा सच दैट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है इज प्योरली रियल। प्योरली रियल होने का मतलब क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है b वो 0 है, तो पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं क्या है और फिर उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। सो 3 + 2 iota sin θ डिवाइडेड बाय 1 - 2 iota sin θ और डिनोमिनेटर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखेंगे तो 1 + 2 iota sin θ डिवाइडेड बाय 1 + 2 iota sin θ, मल्टीप्लाई कीजिए इनको, देखिए क्या आंसर आता है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 iota sin θ तो हो जाएगा +6 iota sin θ +2 iota sin θ एंड मल्टीप्लाई इनका होगा +2 × 2 = 4 iota square
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये देखिए आप डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर वन माइनस इस होल वैल्यू का स्क्वायर जो कि हो जाएगा फोर, और आयोटा स्क्वायर तो माइनस वन, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, चलिए। सो थ्री और ये आयोटा स्क्वायर वाली टर्म, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, बट इसमें ऐड तो होना नहीं तो छोड़ो उसको, कोई चक्कर नहीं है। थ्री फोर आयोटा स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, सो माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिक्स आयोटा साइन थीटा प्लस टू आयोटा साइन थीटा, सो एट आयोटा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो अब देखिए इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग कर लेते हैं। सो वो हो जाएंगे थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा एट साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा। और वो कह रहा है कि ये नंबर जो है ये रियल है, रियल है मतलब इमेजिनरी पार्ट यानी कि बी जो है वो इक्वल टू जीरो है। नंबर रियल तभी बचेगा कि कॉम्प्लेक्स वाला जो पोर्शन है वो जीरो हो जाए। ठीक है, सो बी इसमें जीरो है, सो इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, एट साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो। अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो में, सो जीरो एट साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो क्योंकि एट भी जीरो में गया, और थीटा की वैल्यू क्या हो, पाए टू पाए थ्री पाए फोर पाए, इस तरीके से अगर पाए के जो वैल्यूज आती जाएंगी नेगेटिव में और पॉजिटिव में उस पर थीटा हमेशा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू पाई, सो एन पाई लिख देता हूं वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। 16th क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसमें जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना वो ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है, तो ये कोई एडवांटेज नहीं है आपको, इसको पहले आपको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना ही करना है, उसके बाद इसको पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। सो पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को जो कि है आयोटा माइनस वन, ठीक है, और कोस पाई बाय थ्री, कोस पाई बाय थ्री यानी पाई बाय थ्री होता है 60 डिग्री। ठीक है, सो कोस 60 डिग्री कितना होता है, कोस पाई बाय थ्री हो जाएगा आपका हाफ प्लस आयोटा साइन पाई बाय थ्री हो जाएगा आपका रूट थ्री बाय टू। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है पहले ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, सो मल्टीप्लाई कीजिए इसको वन बाय टू माइनस आयोटा रूट थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय वन बाय टू माइनस आयोटा रूट थ्री बाय टू। ठीक है, ओके, इक्वल्स टू आयोटा माइनस वन जो है इसको प्रॉपर लिखेंगे आप तो माइनस वन प्लस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका ये। ठीक है, उसने घुमाने की कोशिश की है, पहले आयोटा की टर्म लिख दी, लिख कैसे भी सकते हैं उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट क्योंकि हमें आदत है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में देखने की कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको वन बाय टू माइनस आयोटा रूट थ्री बाय टू के साथ डिवाइडेड बाय नीचे वाली जो टर्म्स हैं वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आएंगी, सो वन बाय टू का होल स्क्वायर माइनस आयोटा रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस आयोटा रूट थ्री बाय टू। ठीक है, माइनस वन मल्टीप्लाई करने के बाद और प्लस आयोटा बाय टू एंड माइनस आयोटा स्क्वायर रूट थ्री बाय टू, ये वैल्यू तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वन बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर। ठीक, थ्री बाय फोर कैसे आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन वो तो पॉजिटिव आ गया आपका। ठीक है, और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो गया और टू का स्क्वायर फोर हो गया। ठीक, चलिए आगे, इक्वल्स टू यहां देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी माइनस वन,
सो ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो माइनस वन बाय टू प्लस रूट थ्री बाय टू, ये तो रियल पार्ट, प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए और कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट जो है वो आ जाएगा वन बाय टू प्लस रूट थ्री बाय टू होल डिवाइडेड बाय वन बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर, सो ये आ जाएगा फोर बाय फोर, कैंसिल आउट होके आ जाएगा वन, ठीक है। और अब इसको आप प्रॉपर फॉर्म में लिख लीजिए, डिनोमिनेटर में तो वन है, तो ये देखिए कितना वैल्यू हो जाएगी, रूट थ्री माइनस वन बाय टू, दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, सो ये रियल पार्ट प्लस आयोटा रूट थ्री प्लस वन बाय टू, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। सो बुक वाले तरीके से सोल्व करें हम, या जो मैं बता रहा हूं वैसे, तो पहले मैं जो बता रहा हूं उससे सोल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको प्लॉट करते हैं आर्गन प्लेन पे, ठीक है, उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं जो अभी आपको बताऊंगा मैं, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। सो अब इसमें प्लॉट करेंगे तो रियल पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस पे रूट थ्री माइनस वन बाय टू, तो ये जो भी हो वैल्यू एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, कहीं मान लो यहां आया, और रूट थ्री प्लस वन बाय टू ये भी पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि ये थीटा, तो थीटा आपका पॉजिटिव होगा। अब उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे थीटा को, ठीक है, तो देखिए इससे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ये वैल्यू जो है ये है आपकी रूट थ्री माइनस वन बाय टू, और ये वैल्यू है रूट थ्री प्लस वन बाय टू, सो टेन थीटा, यहां कैलकुलेट कर देता हूं मैं, टेन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, जो कि है रूट थ्री प्लस वन बाय टू डिवाइडेड बाय बेस, जो कि है रूट थ्री माइनस वन बाय टू, सो टू से टू कैंसिल, टेन थीटा क्या आ जाएगा आपका, टेन थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस वन, बट इससे सॉल्यूशन तो नहीं आया हमारे पास, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि रूट को हटा देते हैं डिनोमिनेटर में से, ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री प्लस वन, सो नीचे वाली टर्म्स जो हैं वो हो जाएंगी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, सो ऊपर वाली टर्म्स आ जाएंगे रूट थ्री प्लस वन का स्क्वायर, और नीचे आया रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और माइनस वन का स्क्वायर वन, सो ये आ गया रूट थ्री प्लस वन स्क्वायर बाय टू, बट सॉल्यूशन हमारा अब भी नहीं आया, हमें तो टेन थीटा कैलकुलेट करना है, सो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस टू ए बी, यानी कि टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, तो देखिए थ्री प्लस वन फोर प्लस टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू, टू कॉमन आ जाएगा, टू प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू, ये कैंसिल आउट, आंसर आया टू प्लस रूट थ्री, तो यहां से भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आया, ठीक है ना। सो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना यहां मुश्किल है ना, तो ऐसे केस में फिर जो बुक में दिया है ना वो हम कैलकुलेट करेंगे, उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, उसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी आपकी आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, और इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे हम, तो आर कोस थीटा जो है वो आपके पास वैल्यू आई रूट थ्री माइनस वन बाय टू, और आर साइन थीटा जो है वो आपके पास वैल्यू आई रूट थ्री प्लस वन बाय टू, ठीक है, ये लाइन खींच देता हूं मैं यहां, तो समझ आई बात आपको कि दोनों ही मेथड हमें सीखने हैं, और जब जहां जो आसान पड़ेगा जिससे हमारा आंसर आ जाए हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। सो इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन वन और इसको टू, सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग वन एंड टू, सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इनका भी स्क्वायर करके ऐड कीजिए, ठीक है, सो रूट थ्री माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए,
सो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अब टू जो है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर हो जाएगा फोर और दोनों ही जगह हो जाएगा फोर, तो डिनोमिनेटर में तो मैं लिख देता हूं फोर और रूट थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस रूट थ्री प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। सो आर स्क्वायर इंटू वन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया वन और ये वैल्यू आ जाएगी रूट थ्री माइनस वन का स्क्वायर कीजिए देखिए क्या आ जाएगा थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो थ्री प्लस वन प्लस टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय फोर। सो टू रूट थ्री से माइनस टू रूट थ्री कैंसिल और थ्री प्लस वन फोर प्लस फोर एट एट बाय फोर ये हो गया आर स्क्वायर की वैल्यू जो कि आ जाएगी टू आर स्क्वायर इज टू सो आर इज रूट टू, ठीक है। और इसको प्लस माइनस रूट टू नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, क्योंकि ये एक पॉजिटिव या वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि आर जो है वो एक्चुअली है क्या मॉडुलस ऑफ जेड है और मॉडुलस ऑफ जेड होता क्या है कि आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर जहां प्लॉटेड है वो उसकी दूरी ओरिजिन से और डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। ओके सो आर की वैल्यू आ गई आपके पास रूट टू, ये देखिए ठीक है आर की वैल्यू रूट टू आ गई, बट मेरे को तो कैलकुलेट थीटा भी करना है, वो कैसे कैलकुलेट करूं देखिए। अब ये आर की वैल्यू आई है हमारे पास, अभी हमें थीटा की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो आर की वैल्यू जो है वो हम इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे और कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कोस थीटा हो जाएगा आर है आपका रूट टू, तो वो यहां आ जाएगा टू रूट टू हो जाएगा ये, ठीक है। सो कोस थीटा हो गया आपका, कोस थीटा इज रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू एंड साइन थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू। पर समस्या अपनी भी वही रह गई, थीटा कैसे कैलकुलेट करें। देखिए यही समस्या हमें तब आई थी जब हम यहां कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। ये कैलकुलेशन चल रही थी अपनी टेन थीटा, तो ये वैल्यू आ गई थी, अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, है ना। सो यहां चल रही थी, हमने यहां कोशिश की थी इसको सोल्व करने की, इस साइड देखिए राइट हैंड साइड, ठीक है, सोल्व करने की कोशिश की थी बट नहीं सोल्व कर पाए और अब भी वही समस्या आ गई हमें, ठीक है। अगर मैं इसको टेन थीटा लिखता भी हूं यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस वन, है ना। सो इसको कैसे सोल्व करें, टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन। एक काम और कर सकता हूं इसमें, रूट थ्री कॉमन ले सकता हूं, सो रूट थ्री कॉमन ले लीजिए, सो वन प्लस वन बाय रूट थ्री, ठीक है, और डिनोमिनेटर में से भी रूट थ्री कॉमन ले लीजिए, वन माइनस वन बाय रूट थ्री। बट ऐसा क्या शौक चढ़ा मुझे, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, मतलब है भैया एक क्या मतलब है देखिए, टेन ए प्लस बी ये फॉर्मूला देखा है आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशंस वाला चैप्टर है अपना उसमें है। सो ये किसके बराबर होता है, ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, हाँ या ना, देखा है ना, ठीक है जी। चलो अब इसका यूज कहां करेंगे हम, देखिए एक वैल्यू आ रही है यहां पे वन, ठीक है। सो टेन पाई बाय फोर जो होता है वो वन होता है, एक वैल्यू आ रही है वन बाय रूट थ्री, सो टेन पाई बाय सिक्स थर्टी डिग्री वो होता है वन बाय रूट थ्री, होता है, है ना। सो अभी उनका यूज करेंगे, इसमें पुट करेंगे और थीटा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैसे देखिए मैं लिखता हूं टेन थीटा इक्वस टू वन प्लस वन बाय रूट थ्री अपॉन वन माइनस वन बाय रूट थ्री, ठीक है। और थीटा कैसे कैलकुलेट करूंगा, टेन इनवर्स ऑफ वन प्लस वन बाय रूट थ्री अपॉन वन माइनस वन बाय रूट थ्री, ठीक। और देखिए आगे क्या करता हूं,
tan इनवर्स, 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं, tan pi by 4 प्लस 1 by root 3 की जगह tan pi by 6 लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को? किसी को नहीं है। 1 माइनस 1 by root 3 जो है वो आता है tan pi by 6 करने से, तो tan pi by 4 का क्या करूं, तो tan pi by 4 भी लिख देता हूं क्योंकि उसकी वैल्यू तो 1 होती है, क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है जी। सो tan इनवर्स ऑफ, अब इसको देखिए, इस रिलेशन को ब्लैक पेन ले लेता हूं मैं, इस पूरे रिलेशन को देखिए, ठीक है। तो क्या ये tan pi by 4 प्लस pi by 6 इक्वल्स टू tan pi by 4 प्लस tan pi by 6 अपॉन 1 माइनस, यहां नीचे लिख देता हूं, देखिए ये किसके बराबर होगा, tan pi by 4 प्लस tan pi by 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan pi by 4 tan pi by 6 हो गया। नहीं तो इस सब की जगह, यानी कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, सो tan pi by 4 प्लस pi by 6, ठीक। इस tan से ये tan कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो थीटा क्या बचा आपके पास, योर थीटा विल बी इक्वल्स टू pi by 4 प्लस pi by 6, ठीक। और LCM लेंगे तो वो आ जाएगा 12, सो 3 pi प्लस 2 pi यानी कि 5 pi by 12, तो ये थीटा की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। सो आपने r की वैल्यू कैलकुलेट की, रूट 2 जो कि मॉडुलस ऑफ z है, मॉडुलस बोलते हैं जिसको, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 5 पाई बाय 12, ठीक है। वैसे कैलकुलेट क्या करना था इसमें, शायद यही करना था, और कुछ थोड़ी ना कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में लिखना है भाई इसको, ठीक है। सो पोलर फॉर्म होती है आपकी z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। सो r की वैल्यू है आपकी रूट 2, सो रूट 2 कोस 5 पाई बाय 12 प्लस आयोटा, r यहां भी आएगा भाई, आयोटा रूट 2 साइन 5 पाई बाय 12, ठीक है। रूट 2 कॉमन लीजिए, सो ये हो गया कोस 5 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 12 Z, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में, ठीक है। सो ये एग्जांपल्स खत्म हुए, इसके बाद हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, बाय।